विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई जगह पर शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। तो जन्मोत्सव भगवान हनुमान का, और इसी मौके पर भारी संख्या में मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई जगह पर शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की जो तैयारियां हैं वो धूमधाम से चल रही हैं, और इसके साथ ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। पूरा दिन आज हमको मंदिरों में भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी, और शाम के समय में भी जो भीड़ है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। मंदिरों में जो भक्त हैं वो मंदिरों में ज्यादा पहुंचेंगे। तो मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, और साथ ही पूजा अर्चना करने के लिए भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान हनुमान की पूजा की जा रही है। कई जगह पर शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। तो देखिए, भगवान हनुमान का जन्मोत्सव आज, और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा की जा रही है, क्योंकि सब जगह के जो मंदिर हैं वो उनकी अलग अलग मान्यताएं बताई गई हैं। ग्वालियर से कुछ तस्वीरें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, जहां पर मान्यता कि अगर यहां पर कोई भी पहुंचता है बीमारी को लेकर भक्त, तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। सिर्फ बभूत लगाने से ही बीमारी दूर हो जाती है। कई जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सुबह से ही शोभा यात्राओं के निकलने का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। प्रभात फेरी निकाली जा रही है। और उज्जैन से मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मयंक, आपके पास ही आते हुए सबसे पहले तो बताइए, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? विशेष मान्यता है यहाँ पर, जो भक्त मनोकामनाएं मांगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं मंगला आरती में। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और आरती में शामिल होते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। वे कब से यहाँ आ रहे हैं, उनकी किस तरह की मनोकामना थी, क्या पूर्ण हुई, और कब से यहाँ आ रहे हैं। विगत 10-12 साल हो गए डेली बाबा के दर्शन करते करते और आरती में आते आते बाबा के अद्भुत आनंद आता है और आज भी सुबह हम लोगों ने जन्म आरती का आनंद लिया, साथ ही साथ दिन भर प्रसादी वितरण किया जाएगा। शाम को पुनः इस मंदिर की मान्यता है कि सबसे पहले तो हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर उज्जैन में। साथ ही साथ यहाँ पर हर मंगलवार हर शनिवार को नींबू मिर्ची और प्रतिदिन झांडने का आयोजन भी किया जाता है। किसी को भी आला बाला होती है तो डेली झांडने का आयोजन होता है। बाबा की झांडने से सभी को लाभ मिलता है। साथ ही साथ शाम को डेली 8:30 बजे आरती होती है, सभी श्रद्धालु उसका भी लाभ लेते हैं, जिनको भूत वगैरह भी लगता है। तो आज यहाँ पर सुबह हम लोगों ने सभी ने मिलकर जन्म आरती का आनंद लिया, साथ ही साथ अभी प्रसादी वितरण किया जा रहा है, और ये प्रसादी वितरण दिन भर किया जाएगा। शाम को पुनः 10:30 बजे आरती की जाएगी, जो भव्य रूप में आरती का आयोजन रहेगा। करीब सुबह से अभी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दिन भर यही कार्य चलता रहेगा। कब से आप यहाँ रहे, क्या नाम है आपका? मैं तकरीबन 8-10 साल हो गए, नाम मेरा अंकित सुनील है, और डेली आरती में आता हूँ। वो तकरीबन आज जो है जन्मोत्सव की सुबह 6 बजे आरती हुई, और जो आरती है 10:30 बजे एक और आरती। उज्जैन का अति प्राचीन मंदिर है जो गेवी हनुमान नाम से ढाबा रोड के यहाँ पर है, और मैं तकरीबन 8 साल। ठीक है मयंक, आपके पास मैं लौटूंगी, और कुछ और लोगों से भी आप बातचीत करिएगा। अंकुश का रुक कर लेते हैं, अंकुश की तस्वीरें हम देख लेते हैं। अंकुश, भगवान हनुमान की आज पूजा की जा रही है, और जो मंदिरों में जो धूम है वो देखने को मिल रही है। आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है? लोकेश जंगल गांव में मंदिर के अंदर व्यवस्था बनाने का सहयोग करें। लोकेश जंगल
देखिए भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है और पूरे देश के हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। राजधानी रायपुर के पंडरी में मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में हम मौजूद हैं। मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर के ठीक बाहर किस तरीके से लोगों की कतार लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी लंबी लाइन ये इसलिए है क्योंकि भगवान हनुमान का श्रृंगार किया जा रहा है। वहाँ पर उनको चोला चढ़ाया जा रहा है और चोला चढ़ाए जाने के बाद पट खुलने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा उसके बाद भक्त अपने अपने हाथों में जो पूजा की सामग्री लिए हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, अपनी मनोकामना मांगे। और राजधानी रायपुर का ये जो मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर है वो काफ़ी विशेष मंदिर है। यहाँ पर वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, वैसे तो साल भर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कराते हैं, लेकिन चूंकि भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव और जन्मोत्सव के मौके पर विशेष पूजा पाठ का योग है। कहा जा रहा है कि आदित्य योग आज है और आदित्य योग करीब 12 सालों बाद बन रहा है और 12 सालों बाद ऐसा योग आया है जब भगवान हनुमान की पूजा पाठ करने से सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान हनुमान के दर्शन करने की कोशिश कराएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। फिलहाल ये कतार, ये लंबी लाइन देख के अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि लोगों की आस्था, श्रद्धा, भक्ति जो है वो किस तरीके से उमड़ी हुई है और लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पट खुलेंगे वैसे ही भगवान के दर्शन करके, उनकी पूजा पाठ करके अपनी मनोकामना जो है वो पूरी कराते हुए नजर आएंगे। और बस लोग विशेष रूप से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर दरवाजे तो खुल गए हैं लेकिन बस पर्दा खुलने की देरी है और लोगों की जो भीड़ है वो अंदर भी उमड़ी हुई है। और यहाँ पर जो इस बार मंदिर की जो विशेष साज सज्जा की गई है वो साज सज्जा जो है जन्मोत्सव के मौके पर की गई है। बड़ी विशेष तैयारियों के साथ वो यहाँ पर सजाया गया है और विशेष तैयारियों के साथ आज जन्मोत्सव को खास बनाने की कोशिश यहाँ पर मंदिर परिसर के और मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर समिति के सदस्य हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है। और ये बस इंतजार जो है वो लोगों का सुबह से है कि जैसे ही भगवान हनुमान का मंदिर का दरवाजे खुलेंगे और दरवाजे खुलने के बाद वो अपनी मनोकामना पूरी करा कर यहाँ से जाएंगे। चूँकि दिन भर ये सिलसिला चलेगा और अगर बात करें तो सुबह से जो है शोभा यात्रा निकाले जाने की तैयारी यहाँ पर की गई है, सुबह से प्रभात रैलियाँ जो हैं वो भी निकाली गई हैं, तो विशेष तैयारियों के साथ सभी हनुमान तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं अंकुश की विशेष तैयारियाँ जो हैं वो की गई हैं। और